वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उच्चायोग की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। आपको ये बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की जो तस्वीरें सामने आई थी उस पर मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसे लेकर मालदीव के मंत्री अब अपने ही देश में लगातार घिरने लगे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी के मामले में अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो उच्चायोग की तरफ से पूरा मामला जो है वो उठाया गया है और अमिताभ सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी लेकिन उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी आना और अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी गई है। भारत, हाँ बिल्कुल, भारत का ही कमिश्नर ने माले में जाकर वहाँ की सरकार के साथ अपनी नाराजगी जाहिर तो की है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति नाइद ने भी इसको लेकर उस मंत्री की को काफी खरी खरी सुनाई है कि भारत जो हमारा देश है उसके बारे में, हमारा मित्र देश है उसके बारे में ऐसी ओछी बातें करना सही नहीं है। उन्होंने भी खरी खोटी सुनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है मालदीव की सरकार ने उस बात से किनारा कर लिया है जिसमें उस महिला मंत्री ने भारत सरकार, भारत के इन टापुओं को, इन सुंदर द्वीपों को और प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जो गंदी प्रतिक्रिया दी थी उसके ऊपर से भी मालदीव सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। उनसे कहना है, उनका व्यक्तिगत बयान है, ये मालदीव सरकार का बयान नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज और कि वो ट्वीट उस महिला मंत्री ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्वीट के आने के बाद भारत के उन तमाम सेलिब्रिटी, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, सलमान खान हो, सब ने भारत में ही, भारत के उन अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज में जाने की बात करने लगे थे जो सेलिब्रिटी आज तक मालदीव जाने की वकालत करते रहे थे। तो एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, तो मालदीव को इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। और अमिताभ जी, इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब ये टिप्पणी सामने आई, जब ये विवादास्पद बयान सामने आया तो हजारों ऐसे भारतीय जिन्होंने वहां की यात्रा को रद्द कर दिया और ये बहुत बड़ा नुकसान मालदीव के लिए यहाँ पर देखा गया। देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था भारत के भरोसे ही चलती है और भारत ने उनको काफी सुरक्षा भी दी हुई है। अगर किसी कारणों से किसी और देश के दबाव में या किसी और देश के इन्फ्लुएंस में अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि यहाँ के कमरे बदबू वाले हैं, यहाँ के कमरे भारत के कमरे ऐसे वो होते हैं और उन्होंने तमाम इस तरह के बयान दिए थे जो भारत के लिए काफी डेरोगेटरी थे, ऐसे में उन मालदीव सरकार का उस बयान से अपने आप को अलग करना दिखाता है कि भारत मालदीव के लिए कितना जरूरी है। और भारत के ये जो एग्जॉटिक लोकेशंस हैं, और प्रधानमंत्री जिसकी बात करते हैं वोकल फॉर लोकल, कि अपने ही पर्यटन केंद्रों पर जाएं, अपने ही, ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, मुझे लगता है आज जो सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया उसके बाद से इसको काफी बल मिलेगा। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी देखिए साफ तौर पर सख्त टिप्पणी की गई है और जिस तरीके से मालदीव के मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था, हालांकि अब उन्होंने वो ट्वीट जो है वो जरूर डिलीट कर दिया गया है, लेकिन तमाम सेलिब्रिटीज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें किस तरीके से रीट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने बताया कि आखिर देखिए कितना खूबसूरत ये है। लेकिन अभी आपको तस्वीर दिखा रहे लक्षद्वीप की, इसी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, भारतीय उच्चायुक्त की तरफ से आपत्ति जताई गई है और इसके बाद अब यहाँ पर लगातार जो विवादास्पद बयान दिया गया उसको लेकर भारत की तरफ से भी कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। लेकिन एक बार फिर से जो अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे वो यही कि जो अर्थव्यवस्था वहाँ की है वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर रहती है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर हर साल हर महीने यात्रा करते हैं और इस बयान के आने के बाद वहाँ पर नुकसान पहुँचना शुरू हो गया था और इसीलिए माना जा रहा है कि यू टर्न इस बयान से हो सकता है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव की सरकार ने महिला मंत्री के बयान को निजी बताया है। मालदीव सरकार ने कहा कि सरकार का ये मत नहीं है, ये उनका निजी मत हो सकता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो पोस्ट किया गया था बाद में उसे डिलीट उनकी तरफ से कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार ने इस बयान से किनारा कर लिया है। तो भारत के कड़े रुख से मालदीव किस तरीके से डरा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मंत्री ने जो ट्वीट किया था उसे वापस ले लिया गया, लेकिन भारत के कड़े रुख के बाद यह फैसला लिया गया है कि अपने ही मंत्री के खिलाफ मालदीव जो है बड़ा एक्शन लेगा। इतना ही नहीं, भारतीय उच्चायोग की तरफ से भी जो है वो साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी बयान दिया गया था वो पूरी तरह से गलत है और भारत के बायकॉट से मालदीव किस तरीके से डरा है कि अपनी ही मंत्री के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी मालदीव की तरफ से की जा रही है।
तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन भारत ने भी इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और इस रुख से मालदीव इसीलिए डर गया क्योंकि मालदीव ये जानता है, वो सरकार ये जानती है कि भारत के लिए कुछ भी कहना और अगर भारत नाराज हो जाता है या भारत इसके बाद कोई बड़ा एक्शन भी अगर ले लेता है तो अर्थव्यवस्था वहां की बहुत ज्यादा नुकसान में पहुंच सकती है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि भारत के इस कड़े रुख से मालदीव डर गया है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री की इस जो तस्वीरें वहां की थी सामने आई थी, उसके बाद जब ये बयान सामने आया तो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा था बॉयकॉट मालदीव्स और इसका बहुत बुरा असर वहां पर देखने को मिला और ये असर ऐसा था कि बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब उन्होंने ट्वीट किया था उनकी तरफ से तस्वीरें साझा की गई थी तो वहां की खूबसूरती के बारे में बताया गया था, लेकिन अब देखिए कि ये जो बयान सामने आया, हालांकि सरकार अब इससे किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर मालदीव की बात करें तो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा जो है स्पेस माना जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, भारत की तरफ से जो बायकॉट किया गया, अब मालदीव की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम अपने ही मंत्री के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे। देखिए उस स्टेटमेंट में ये बयान नहीं दिया गया कि अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ऐसे अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगी। देखिए मंत्री ने बयान दिया था, ट्वीट पे अपनी बात रखी थी और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसे बाद में ट्वीट किया गया, लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मसले को वहां के हाई कमिश्नर ने उठाया वहां की सरकार से और उसके बाद सरकार की तरफ से बयान आया कि इस तरह के बयान से मालदीव की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, निजी बयान है। और उसी बयान के अंत में ये लिखा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं चुकेगी। एक हिदायत कह सकते हैं मंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे मंत्री के प्रधानमंत्री पर बयानों के खिलाफ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, चाहे फिल्म जगत के लोगों की बात करें या आम लोगों की बात करें या फिर खुद मालदीव के विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं वो सरकार को यानी मालदीव की सरकार को बैकफुट पे लाने पर मजबूर कर दिया और इसीलिए मालदीव की सरकार की तरफ से ये बयान जारी किया गया। नीरज, इससे पहले हमने ये भी देखा कि नए राष्ट्रपति की तरफ से एक संकेत भी दिया गया, बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस पर जानकारी आपसे और भी लेंगे। खबर पहले दर्शकों को लगातार जो वहां से मिल रही है ये बता देते हैं और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, भारत पर निशाना साधने के चक्कर में मालदीव अपने ही देश में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के मंत्री को नसीहत दी है। जो पीएम मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीर पर टिप्पणी की थी, नशीद ने पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने मंत्री मरियम शिवना की भाषा को घटिया बताया और भारत को मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी बताया और अपने ही देश में घिरने के बाद मालदीव की मंत्री ने अपना विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया है। अब जो खबर वहां से मिल रही है वो ये भी है कि सरकार की तरफ से भी किनारा कर लिया गया है, ये कहा गया कि उनका निजी मत हो सकता है। जो ट्वीट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इसे अब डिलीट कर दिया गया है। मालदीव के मंत्री की तरफ से ये टिप्पणी की गई थी और उसके बाद देश में यानी कि भारत में नहीं बल्कि अपने ही देश में मालदीव में ही जब ये टिप्पणी की गई तो अपने ही बयान के बाद वहां पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और उसका नतीजा ये रहा कि अब इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई जिसके बाद अपने ही देश में मंत्री जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे विपक्ष के नेता हो या पूर्व राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। या आपको मोहम्मद नशीद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं मालदीव के, उनका ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने घटिया लैंग्वेज यानी कि बोला कि जिस तरीके से मंत्री की तरफ से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो घटिया था। मालदीव की मंत्री की टिप्पणी पर पलटवार होने लगा है। हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मालदीव में भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी 50वें जन्मदिन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हम अतिथि देवो भव का विचार रखते हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन ग्रहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की और लिखा अतिथि देवो भव। ये अक्षय कुमार की हम बातें दिखा रहे हैं। इसी तरीके से और भी जो सिनेस्टार्स हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है। अक्षय कुमार के अलावा जो सचिन तेंदुलकर हैं,
क्रिकेट के भगवान जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी भावनाएं रखी और दोनों ने कॉमन बातें कही, अतिथि देवो भव, यानी आप दूसरे देश को या दूसरे देश के किसी जगह को इस तरीके से नहीं लिख सकती हैं। जॉन अब्राहम का भी ट्वीट है और इन सभी स्टार्स ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि अगली दफा जब हम जाएंगे तो हम लक्षद्वीप ही जाएंगे। ये पीएम मोदी की तस्वीर है, ये तस्वीर जिस दिन सामने आई थी उसके बाद ही मालदीव के मंत्री की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिस पर भारतीय भड़क गए, भारतीय नाराज हो गए और मालदीव को परेशानी इस बात से थी क्योंकि वो देश पूरी तरीके से यात्रा पर टिका हुआ है, व्यापार का जरिया जो है, बिजनेस का, आर्थिक मजबूती जो उसको मिलती है वो वहाँ पर्यटकों की पहुँचने की वजह से। उसे लगा कि अगर भारत अपनी खूबसूरती इस तरीके से दिखा रहा है तो मालदीव लोग नहीं जाएंगे और ऐसा होने भी लगा है क्योंकि इस तरीके से मैसेज कन्वे होने लगा कि अब हम मालदीव की जगह पे लक्षद्वीप जाएंगे, जहाँ की ये खूबसूरत तस्वीर जिसमें पीएम मोदी आपको नजर आ रहे हैं वो तस्वीर। और यही वजह है कि जो भारत के बड़े स्टार्स हैं, जो सिने स्टार्स हैं या क्रिकेट के जो बड़े चेहरे हैं, उन सभी ने एक एक करके ये तस्वीरें भी साझा की और भारतीयों को ये भी कहा कि हमें, हालांकि मामला क्या है ये भी एक बार हम आपको इस वक्त अपडेट करेंगे, फिर से बताएंगे क्योंकि बीते कुछ देर से हम आपको यही बड़ी बातें बता रहे हैं। मालदीव के मंत्री के भारत विरोधी बयान के बाद से सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो मालदीव के अपने टूर को बाकायदा कैंसिल कर रहे हैं और लक्षद्वीप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लोग मालदीव की खूब खरी खोटी वहाँ के लोगों को भी सुना रहे हैं और उस जगह के बारे में भी बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि टूरिज्म पर निर्भर मालदीव को भारत की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मौजूम माजिद ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था, अब चलिए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए जरा हम बताने की कोशिश करते हैं। तो मालदीव के मंत्री ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये समझिए, मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं। ये पहली लाइन आपको बता रहे कि आखिर कहां से ये विवाद की शुरुआत हुई थी। भारत को हमारे बीच पर्यटन से एक कड़ी टक्कर मिलेगी, ये भी उनकी तरफ से आगे कहा गया था। इतना ही नहीं, मालदीव के रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है, यानी कि देखिए किस तरीके से डिफरेंशिएशन करने की कोशिश जो है ये यहाँ पर की गई और यही वो पोस्ट है जिसके बाद जबरदस्त बवाल भी यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दिया था। हमने आपको ये भी बताया कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूँ, ये उनकी तरफ से लिखा गया था। भारत को हमारे बीच पर्यटन से कड़ी टक्कर मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब ये फोटोज सोशल मीडिया पर डाली गई तो उन्होंने बताया कि आखिर कितना खूबसूरत है लक्षद्वीप, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद अब मालदीव्स की मंत्री ने जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी उसके बाद अब वो अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे जिसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री ने खुद साझा की थी। इतना ही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर शेयर की थी जिसकी लोग खूब वाहवाही करते हुए भी नजर आए और मालदीव के मंत्री ने पीएम मोदी के दौरे पर उसके बाद टिप्पणी की थी। तो मालदीव के मंत्री ने जैसे ही पीएम मोदी के दौरे पर टिप्पणी की, सोशल मीडिया पोस्ट में भारत पर जो है बकायदा, जो हमने आपको बताया भी कि आखिर उन्होंने टिप्पणी में जो है क्या कुछ कहा, जिसके बाद अब लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने लगा। और उसके बाद टिप्पणी करी लेकिन मालदीव के मंत्री अपने ही देश में घिर गए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने इस बयान की कड़े तौर पर निंदा भी कर दी है। इतना ही नहीं, चाहे पूर्व राष्ट्रपति की बात करें या विपक्ष के नेताओं की बात करें, लगातार निंदा की जा रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड होने लगा जिसके बाद हर कोई जो है इस पोस्ट को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया। कई लोगों ने अपनी जो मालदीव की यात्रा है वो रद्द कर दी है जिससे फाइनेंशियल तौर पर माना जा रहा है कि वहां पर बहुत भारी नुकसान हुआ। हवाई यात्रा होटल बुकिंग को यहां पर बकायदा कैंसिल कर दिया गया कई भारतीयों की तरफ से। देखिए मालदीव वो जगह है जहां पर हर साल भारतीय जो है वो बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट जो है जिसे कहा जाता है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि जब मालदीव की हवाई यात्रा हो, होटल बुकिंग हो, वो कैंसिल कर दी गई तो ऐसे में जो है बहुत बड़ा नुकसान मालदीव को हुआ। और इन सब के बीच में अभिनेता सलमान खान ने ट्वीट किया है, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है। ये सलमान खान का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारे भारत में है। देखिए एक तरफ मालदीव की मंत्री की तरफ से किस तरीके से टिप्पणी की गई कि हम जो है टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान की तरफ से जवाब दिया गया।